चल आ जा। आंटी नमस्ते। हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, क्या चाहिए? वो रूम मिलेगा क्या? किसको चाहिए? हम दोनों को चाहिए। तुम दोनों ने चाहिए? अंदर आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। अच्छा तुम दोनों को चाहिए? ये कौन है तुम्हारा? आंटी ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। लगता तो नहीं। लगता तो मुझे भी नहीं है, पर अब क्या करें, है तो है भाई। घर में और कौन कौन है? आंटी ये मेरा भाई और मैं और मेरी मम्मी पापा। देखो रोज रोज कोई नहीं आएगा और एक कजन फजन मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है समझ में आई? और हाँ महीने में एक बार आ सकते हैं, वो भी तुम्हारे मम्मी पापा। आंटी देखो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि हम भी देखो पढ़ने वाले ही हैं दोनों। हाँ तो देखो एक रूम है, उसमें यह अटैच किचन है और लेट बाथ जो है वहाँ बाहर नीचे है, कॉमन, सबको एक ही यूज करना है। और 4000 रुपया लूंगी किराया, उसमें अलग से आपका लाइट और पानी दोनों। आंटी देखो इतना तो हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम रहने वाले भी सिर्फ दो ही हैं और वो भी हम दोनों पढ़ने वाले ही हैं, और इतनी बड़ी तो कोई हमारी फैमिली भी नहीं रह रही यहाँ पर, और हम लोग को इतने पैसे वाले भी नहीं है कि इतने पैसे दे पाए। तो चलो ठीक है 4000 दे देना, 4000 में तुम्हारा लाइट पानी सब ठीक है। लेकिन सुन लो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं रखने दूंगी, ये प्रेस व्रेस कुछ भी। और दूसरा जब भी रूम से बाहर निकलोगे तुरंत लाइट बंद हो जानी चाहिए, पंखा बंद हो जाना चाहिए, लाइट मेरे को चालू नहीं दिखनी चाहिए बिना मतलब में। अगर रूम में हो तो ये लाइट चालू होगी, रूम से निकलते तुम्हारी लाइट बंद हो जानी चाहिए। ठीक है? नहीं आंटी देखो हम इतना तो नहीं दे पाएंगे, हम तो सिर्फ 3500 ही दे पाएंगे। 3500 रुपए? अरे ना ना बेटा इतने में तो नहीं हो पाएगा, अभी तुमसे पहले ही 2 किराएदार आए। ठीक है 4500 रुपया बोल के गए, उसका ही 4500। उनको ही मना कर दिया मैंने, तो इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, आप देख लेना। ठीक है अच्छा तो 3700 दे देना, चलो बैठ जाओ। हाँ तो फाइनल है ना तुम्हारी तरफ से? और देखो बेटा मोटर में सुबह 5 बजे चलाती हूँ, तुम दोनों में से किसी एक को उठना पड़ेगा पानी भरने के लिए, वरना मैं पूरे दिन मोटर नहीं चलाती हूँ, एक ही बार मोटर चलती है हमारे। ठीक है? वैसे आंटी आपके घर में कौन कौन है? ये देखो बेटा मेरे घर पे तो मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे 2 बेटा और 2 बेटी है। और देख लो तुम्हारे को तुम्हारे दोनों के फोटो देने पड़ेंगे एक एक, और तुम्हारा राशन कार्ड का फोटो कॉपी, तुम्हारे आधार कार्ड का फोटो कॉपी। लेकिन वो क्यों आंटी? वो बेटा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए देनी पड़ेगी ना, और मतलब हम भी तो सिक्योर रहे ना हमारी तरफ से। ये तो सही बात है आंटी, फिर तो आपको भी आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड हमें देने पड़ेंगे। अरे हम क्यों देंगे बेटा, हम तो मकान मालिक है, हाउस ओनर। क्योंकि फिर हम भी तो वेरिफिकेशन करवाएंगे ना कि भाई हम जिसके घर में रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं, कितने लोग हैं, आप जो बता रहे हो वो सारे आपकी फैमिली के हैं कि नहीं है। क्योंकि देखो हमें भी हमारी सिक्योरिटी चाहिए ना आंटी जी। ये मरवाएगा उसको, गलत लेके आई मैं। और हाँ आंटी हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम सुबह 5 बजे उठ के पीने का पानी भरेंगे, अगर आप दिन में 2 मिनट मोटर चालू कर दोगे तो मर नहीं जाओगी। इतने सारे सवाल तो हमारे माँ बाप ही नहीं करते जो हमें इतने सालों से रख रहे अपने घर पे, वो भी बिना किराए के। अच्छा चलना बहुत हो गया, ये मत करो वो मत करो, यहाँ तो पैसे देके भी इतनी बातें सुना, हमें नहीं रहना आपके घर में। अरे भाग जाओ यहाँ से, नहीं दे रही मैं तुमको रूम किराए पे, आ जाते ना जाने खा खा से दिमाग खराब करने, बढ़िया टीवी देख रही थी। हाँ तो जा रहे हैं, हम कौन से यहाँ पे रह रहे हैं, चल दीदी।